राजधानी दिल्ली में गुरुवार को तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार तक न्यूनतम तापमान जो 14 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ था, वह अब बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एक ही दिन में सीधे 3 डिग्री की तापमान में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि अभी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस महीने की शुरुआत से ही लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। कुछ ही दिनों में लोगों के घरों में कूलर पंखे भी चलना शुरू हो जाएंगे। गुरुवार को न्यूनतम तापमान जहां 17 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पहले ही आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया था। दिल्ली और NCR में शाम होते होते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं। बुधवार शाम को भी दिल्ली में ठंडी हवाएं चली, जिसके कारण गुरुवार सुबह और बुधवार शाम को मौसम ठंडा बना रहा, लेकिन दिन में तेज धूप और तापमान में बढ़ोतरी के बाद गर्मी बढ़ गई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। होली के त्यौहार तक दिल्ली में गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक इतना तापमान बढ़ने पर लोगों के घरों में पंखे चलने लगेंगे और होली तक पसीने छूटने लगेंगे। हर बार पिछले कुछ सालों से होली के त्यौहार पर गुलाबी ठंड का एहसास रहता है। ऐसे में लोग पानी वाली होली खेलने से परहेज करते हैं। होली पर पानी डालने से ठंड भी लगती है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार होली से कुछ दिन पहले ही तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उससे मानो यही लग रहा है कि होली तक दिल्ली में अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।